गोदावरी फियो एब्लू एफियो इलेक्ट्रिक स्कूटर को 99,999 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया है। इसके साथ ही कंपनी ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खंड में कदम रखा। इसमें 2.52 किलोवाट लियायन बैटरी मिलती है। इसका मोटर 110 एनएम पीक टॉर्क जनरेट करता है। स्कूटर में 3 ड्राइविंग मोड इकोनॉमी, नॉर्मल और पावर मिलते हैं। यह स्कूटर सिंगल चार्ज पर 110 किलोमीटर रेंज दे सकता है। इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। डॉट स्कूटर लॉन्च के मौके पर कंपनी की ओर से कहा गया कि वह अपने रायपुर संयंत्र में हर महीने करीब 4,000 ई स्कूटर इकाइयों का उत्पादन कर सकती है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO हैदर खान ने कहा कि इस वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी का लक्ष्य कुल 12,000 से 15,000 इकाइयां बेचने का है। डॉट उन्होंने कहा, हमने अभी तक कारोबार पर करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगले 3 साल में हम नए उत्पाद विकास, गुणवत्ता बढ़ाने और बिक्री बुनियादी ढांचे के विस्तार पर 100 करोड़ रुपए और निवेश करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी अगले 6 महीने में एक और ई स्कूटर पेश करने की योजना बना रही है। एब्लू फियो पर उन्होंने कहा कि ई स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 110 किलोमीटर तक चल सकता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह एक परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप है।